नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आई रुक करते हैं खबर की ओर। सूजागंज पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम बरई कैथी पोस्ट अब्बूपुर तहसील रुदाली में श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का कथा व्यास प्रियंका शास्त्री के मुखारविंद द्वारा हो रहा है। अमृत वर्षा व बह रही ज्ञान की गंगा। हम आपको बताते चले कि गोमती नगर लखनऊ से चलकर अयोध्या की पावन धरती रुदाली तहसील के अंतर्गत व पुलिस चौकी सूजागंज क्षेत्र के ग्राम बराई कैथी में श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ 15 अगस्त से ही हो गया है। श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ के पावन अवसर पर रुदाली विधायक के सुपुत्र समाज सेवी आलोक चंद्र यादव सम्मिलित हुए थे। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ का चौथा दिन है। चौथे दिन श्री कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया गया। कथा व्यास प्रियंका शास्त्री जी के मुखारविंद द्वारा श्री कृष्ण की लीलाओं का इस तरह वर्णन किया गया कि भक्त भक्ति के सागर में झूमते नजर आए। ऐसा लग रहा था भक्त घर बैठे सीधे बांकी बिहारी लाल वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। कथा व्यास प्रियंका शास्त्री के मुखारविंद द्वारा श्री कृष्ण लीला का वर्णन करते ही लग रहा था बाल गोपाल के रूप में भगवान श्री कृष्ण अयोध्या की पावन धरती बरई कैथी में पधारे हुए हैं। अमरनाथ यादव की रिपोर्ट। कथा का कार्यक्रम जी, इसमें से मुझे बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे आकर के यहाँ के जो भक्त हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत ही भावुक हैं, कथा को बहुत ही सुंदर तरीके से श्रवण करते हैं। कहाँ से आप चल के आए हैं? गोमती नगर लखनऊ से हम चल कर के आए हैं इस पावन धरती पर अयोध्या की। आज जन्माष्टमी जी, इसमें से हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारे बाल गोपाल कैसे हों। जी, लोगों को अमृत वर्षा के जी, यहाँ पे हम श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ हम श्री राम कथा भी इस जन्माष्टमी। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।